अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दाशी खान है और मैं इस वक्त MNN TV के साथ हूँ। और मेरे साथ एक बड़े अच्छे आर्टिस्ट, एक योगा मास्टर, एक आर्टिस्ट और एक मॉडल, बहुत ज़बरदस्त मेरे दोस्त शाहिद योगी। आइए इनसे पूछते हैं कि आज ये हकीकत क्राइम स्टोरी की सेट पे हैं, इनका कौन सा करेक्टर है। इनसे पूछते हैं कि कब इन्होंने एक्टिंग स्टार्ट की और योगा क्लासेस किस वक्त करवा। जी शाहिद, सबसे पहले तो दाशी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और दूसरी बात MNN TV का, उसके बाद TV टुडे आजकल का, उसके बाद जैसे सर का, ये उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के और हमारे सेट पर मौजूद हमसे गुफ्तगू करने का हमें जरिया और हमें अंदाज दिया। तो सबसे पहले जो आप मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं कि 92 के सेट पर आपके कौन सा करेक्टर है, तो सबसे पहले जो मेरा करेक्टर है वो ये है कि भाई है जो पढ़ा लिखा है, शहर जाना चाह रहा है और उसकी पेरेंट्स से उसको परमिशन मिल भी रही है, नहीं भी मिल रही, लेकिन उसका एक छोटा भाई है जो कि वहाँ पर रहते रहते बिगड़ रहा है। सही, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो बिगड़े ना, और उसकी तरबियत भी करनी है क्योंकि वो मेरी उसके साथ काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, मेरा दोस्त भी है, मेरा भाई भी है, तो वो पापा को टाइम कम देता है उनके साथ मुझे ज़्यादा। अच्छा, तो फिर माँ जो है वो मुझे कहती है कि बेटा आप ही उसको समझाओ और इसी तरीके, बस ऐसे ही है। बाकी आप अब सारी स्टोरी निकाल देंगे तो बचेगा तुमसे। अच्छा, एपिसोड आएगी। ये मुझे ये बताएं कि डायरेक्टर फरीद साहब हैं, उनके साथ काफ़ी सारा आपने काम किया, कैसा आपने डायरेक्टर उनको पाया, कितना अच्छा, और लियाकत साहब के बारे में बताएं। बिल्कुल बिल्कुल जी, सबसे पहले तो फरीद साहब मैं कहता हूँ जी इंतहाई बहुत ही कमाल और नाइस पर्सनैलिटी पाए गए हैं, मतलब उनके साथ लगता ही नहीं है कि लाइक वो डायरेक्टर ट्रीट कर रहे हैं हमें, या मतलब कि कोई हमें ऐसे भाई की तरह ट्रीट करते हैं, जब भी बुलाते हैं रिस्पेक्ट देते हैं और हम उनकी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं कि हमारे सीनियर तो है ही हैं हमारे से, और हमारे लिए वो टीचर भी हैं, हमें सिखाते हैं, और मैं कहता हूँ कि ये खास करता है। दूसरी बात लियाकत साहब, तो मैंने उनके साथ जब पहला प्ले किया था तो मेरे ग्रैंड फादर जो कि अल्लाह ताला की रहमत में हैं, तो उनको मैंने देखा तो मुझे अपने दादा को भी याद आई, तो मैंने उनको दादा भी कहता हूँ, और मैंने उनसे परमिशन ली थी कि मैं आपके दादा को ही कहूँगा और वो मेरे दादा भी, मैं उनकी वैसे ही खिदमत करता हूँ, उनकी वैसे इज्जत करता हूँ दिल से। अच्छा, ये बताएं कि आप इंडियन फिल्में भी देखते हैं, पाकिस्तानी फिल्में भी देखते हैं, आपका फेवरेट हीरो और हीरोइन कौन सा? मेरा पाकिस्तानी अगर पूछ रहे हैं तो सबसे पहला जो फेवरेट हीरो पाकिस्तान में, तो खास नहीं रहेंगे, लेकिन मैं देखता आ रहा हूँ कि शान साहब जो है वो बहुत अच्छी मूवीज बनाते हैं, और अगर पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस में देखें तो मायरा खान मेरी बहुत अच्छी मतलब फेवरेट एक्ट्रेस है, और अगर अब उसमें देखें बॉलीवुड में तो आई लाइक शाहरुख, और उसके बाद तो हीरोइन में से देखें। अच्छा, और आप योगा टीचर भी हैं जी, और मुझे ये बताएं कि क्लासेस आपकी किस वक्त होती हैं और कितने आपके अंडर मतलब लोग जो योगा सीख रहे हैं, जो ट्रेन हो रहे हैं? बेसिकली हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान योगा काउंसिल के नाम से, और हमारे इस वक्त तकरीबन 150 क्लब्स हो चुके हैं पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, तो लाहौर के जितने भी पार्क्स हैं हर पार्क में हम लोग योगा करवाते हैं, उसको फजर की नमाज के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट करवा देते हैं। हमारा जो अज़म है वो सेहतमंद पाकिस्तान है, और हम बगैर कोई फीस लिए एक रुपया भी अपने पल्ले से खर्च करते हैं, खुद अपना टाइम देते हैं और लोगों को सेहतमंद करने का अज़म लिए फिरते हैं कि हमारा अज़म सेहतमंद पाकिस्तान है। तो हॉस्पिटल जैसे जैसे वीरान होंगे, पार्क आबाद होंगे, इसी तरह से हमने बोली है, लेकिन फजर के बाद जो हम लोग एक टाइम महसूस होता है योगा का, वो सबसे बेस्ट टाइम होता है मेरे ख्याल से, और योगा करने का बेहतरीन टाइम है। और योगा में हम लोग देखते हैं कि दुनिया